रूस का याकूतिया इलाका। सुबह का समय है और तापमान है -40 डिग्री, लेकिन यहाँ के लोगों को इस तरह के मुश्किल मौसम में रहने की आदत है। यहाँ होने वाली सर्दी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि आपका फ्रीज़र जितना ठंडा होता है, यहाँ उससे भी दोगुनी सर्दी है। लोगों की पलकों पर जमी सफ़ेद बर्फ यहाँ के मौसम के मिजाज का पता देती है। और इस बाजार में फ्रोजन मछलियां और मांस मिलता है। सुबह 7 बजे आ जाती हूं और शाम को 7 बजे तक ही रहती हूं। चलती रहती हूं, चाय पीती रहती हूं और ज्यादा ठंड लगती है तो पास वाले कैफे में चली जाती हूं। दिन ऐसे ही बीतता है। ये तो उसका सामान बहुत जल्दी बिक जाता है। जब लोगों को सर्दी लग रही होती है तो वो ज्यादा मोल भाव नहीं करते, इसलिए सर्दी हमारे लिए तो अच्छी है। विगड़ने। सर्दियों में यहाँ पर तापमान -40 डिग्री के नीचे जाना तो आम बात है, लेकिन जब वो -55 डिग्री या फिर उससे भी नीचे चला जाता है तो बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। सर्दी इतनी है कि यहाँ पर नदियाँ भी जम जाती हैं और उन पर ट्रक तो आराम से चलते हैं। परेशानियों के बावजूद यहाँ के लोगों को अपने इस मौसम पर गर्व है। कड़कड़ाती सर्दी में जश्न का माहौल। क्रिसमस का पूरे साल यहाँ पर खास तौर से इंतजार होता है। बच्चे और बड़े सब इसमें हिस्सा लेते हैं। सर्दी कितनी भी हो, लोग लेनिन स्क्वायर पर जरूर जमा होते हैं। इस वक्त यहाँ तापमान -44 डिग्री है, लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं।